बीजेपी के गढ़ बनी 66 सीट, कांग्रेस ने दिग्विजय को दी जिताने की जिम्मेदारी। दिग्विजय की रणनीति तय करेगी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत। शिवराज को उनकी जीत पर घेरने का प्लान बनाने में जुटे दिग्विजय। दिग्विजय सिंह के एक बयान ने कांग्रेस में टकराव के बड़े संकेत दिए हैं। दरअसल पिछले दिनों कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा था कि भारत में अब 82% आबादी हिंदू है, तो भारत तो हिंदू राष्ट्र ही हुआ। कमलनाथ के इस बयान को दिग्विजय ने तोड़ मरोड़ कर पेश करने का दोष मीडिया पर लगा दिया। वो बात अलग है कि कमलनाथ ने अपने बयान को लेकर कोई सफाई नहीं दी है और ना ही दिग्विजय सिंह के दावे का विरोध ही किया है, क्योंकि कमलनाथ को इस बात का एहसास है कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो वो दिग्विजय सिंह के सहयोग से ही बनेगी, क्योंकि उन्होंने दिग्विजय को बीजेपी के 66 मजबूत गढ़ तोड़ने की जिम्मेदारी सौंप दी है। मध्य प्रदेश में 66 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां लंबे समय से बीजेपी जीतती आ रही है। 2018 में भी जब बीजेपी के हाथ से 15 साल बाद सत्ता फिसली थी, उस परिस्थिति में भी बीजेपी ये सीट आसानी से जीत गई थी। और अब कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि उम्मीदवारों की पहली सूची में इन 66 सीटों को तय किया जाएगा, जिससे उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा समय चुनाव प्रचार के लिए मिल जाए। कमलनाथ ने तो यहाँ तक दावा कर दिया है कि उम्मीदवार तय कर लिए गए हैं, जिसे टिकट देना है उसे इशारा भी मिल चुका है और उसने जनसंपर्क शुरू भी कर दिया है, जब लिस्ट आना होगी तब आएगी। लेकिन कांग्रेस का प्रचार शुरू हो चुका है। इस बार चुनाव में कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर बड़ा दाव खेला है। कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को बीजेपी के लिए सुरक्षित माने जाने वाली 66 विधानसभा सीटों का प्रभार सौंपा है। दिग्विजय सिंह पर इन सीटों को लेकर कांग्रेस के पाले में जाने के जिम्मेदार होंगे। इन 66 सीटों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा सीट बुधनी और कई मंत्रियों के निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल हैं। दिग्विजय सिंह ने इन सभी निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा कर लिया है। उन्होंने स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी आशंकाओं और शिकायतों को सुनकर बातचीत भी की है। पार्टी नेताओं ने कहा कि दिग्विजय सिंह की रणनीति पर जनता तक पहुंच बढ़ाना, समाज के लिए सभी वर्गों के साथ बातचीत करना, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर समन्वय बनाना, स्थानीय जरूरत के अनुसार जरूरी समायोजन करना और बीजेपी के खिलाफ सकारात्मक रहकर चुनाव लड़ना शामिल है। दिग्विजय के जिम्मे में 66 सीटें हैं। उसमें शिवराज सरकार में मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया की शिवपुरी सीट के अलावा गोपाल भार्गव रेहड़ी सीट, भूपेंद्र सिंह कुरी सीट और राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव जैसे मंत्रियों के नाम शामिल हैं। इस सूची में मुंगावली, शिवपुरा, गुना, उज्जैन उत्तर, उज्जैन दक्षिण, अशोकनगर, सागर, जबलपुर कैंट, खंडवा, सांची की सीट भी शामिल है। इस बीच राज्य में गुर्जर समुदाय को साधने की कोशिश भी दिग्विजय सिंह ने तेज कर दी है। उन्होंने बैरसिया विधानसभा में धार्मिक पैदल परिक्रमा की। दिग्विजय सिंह गुर्जर समाज के प्रथम पूज्य भगवान देव दाराड की परिक्रमा कर रहे हैं। बैरसिया विधानसभा गांव देव बरखेड़ी में गुर्जर समाज के भगवान देव नारायण का प्रसिद्ध मंदिर मौजूद है। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के करीब 12 विधानसभा सीटों पर गुर्जर समाज निर्णायक स्थिति में रहता है। दिग्विजय सिंह की इसी पर नजर है। दिग्विजय सिंह ये बात तो पहले ही कह चुके थे कि इस बार वो चुनाव में पर्दे के पीछे रहकर नहीं बल्कि पर्दे के आगे रहकर काम करेंगे। वे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करने के साथ ही चुनाव प्रचार और रैलियों में भी हिस्सा लेंगे। वैसे अभी दिग्विजय सिंह कांग्रेस के लिए रैलियां करते हुए दिखाई नहीं दिए हैं। दिग्विजय सिंह का दावा है कि बीजेपी ने उनके खिलाफ गलत तरीके से प्रचार किया है। उनकी छवि को ऐसा बना दिया गया है कि दिग्विजय के प्रचार करने से कांग्रेस को नुकसान होता है, जबकि 1993 से 2003 तक की कांग्रेस सरकार के समय जो ऐतिहासिक फैसले किए गए थे, वैसे फैसले शिवराज सरकार 20 साल में भी नहीं ले पाई। ऐसे में अब साफ है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जीत मिलेगी या हार, ये बहुत कुछ दिग्विजय सिंह की रणनीति तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज़।